शुक्रिया विराज कर अदा करता हूँ कि भाई इतना थोड़ा सा रास्ता ख़राब है, उसके बावजूद आप लोग ने यहाँ पे आए आप लोगों ने इवेंट कवर करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ अच्छे काम हुए, हमने यहाँ पे अंजाम दिए हैं पुलिस ने, उसी को आपके साथ शेयर करने के लिए मैंने हमने ये मीडिया ब्रीफिंग की। तो पहला इंस्टेंस है एक ये थेफ्ट का एक बहुत बड़ा मॉड्यूल बस्ट हुआ है। तो उसमें बेसिकली ये स्टार्ट होता है हमारा, एक तारीख को एक एक्सीडेंट होता है जिसमें एक बच्चा हुरैर अहमद डार उसको इंजरी आती है। उस एक्सीडेंट के बाद जब हम उसमें एक्यूज़ को हम पकड़ते हैं, वो हिट एंड रन केस था बेसिकली, तो बाद में फिर उसको ट्रेस आउट करके जब पकड़ते हैं तो वो एक शख्स निकलता है जिसका नाम होता है जावेद अहमद अहंगार। ये मैं आपसे शेयर करूँगा बट मैं ब्रीफली आपको बता दे रहा हूँ। तो ये निकलता है, ये एक हैबिचुअल थीफ निकलता है, इसके और जगह पर भी FIRs होते हैं चोरी के ही। तो इसको जब हम पकड़ते हैं और इसको हम इंटरोगेशन करना चालू करते हैं तब धीरे धीरे इसकी पर्चियाँ खुलती आती हैं और धीरे धीरे करते करते काफ़ी एक बड़ा गैंग का खुलासा होता है जिन्होंने कई जगहों पे सोपोर में, बारामूला में, श्रीनगर में कई जगह पे चोरियाँ अंजाम दी होती हैं। इसी के डिस्क्लोजर पे एक और शख्स को हम पकड़ते हैं जिसका नाम होता है हारून अहमद डार, सन ऑफ मुश्ताक अहमद डार। तो बेसिकली इनका मोडस ऑपरेंडी क्या होता है, ये लोग इनमें से एक होता है व्हीकल थीफ, एक होता है शॉप्स को मतलब शॉप लिफ्टर जिसको कहते हैं। तो लेट नाइट में ये लोग चोरियाँ करते हैं, कई गाड़ियाँ उन्होंने मतलब कई गाड़ियाँ तो रखी हुई हैं, आपने देखा सामने फोटोज भी देखी होंगी, तीन गाड़ियाँ अभी यहाँ पे दिख रही हैं आपको, इसके अलावा चार गाड़ियाँ, उसके अलावा दो गाड़ियाँ और जो है थानों में हैं, एक शहीदगंज थाने में है, ताजू थाने में है जो कि इसी गैंग ने अंजाम दिया था जिसको, और इसके अलावा और भी गाड़ियाँ जो है एंटिसिपेटेड है कि सामने आएंगी जो इन्होंने जैसा कन्फेस करा है। उसके अलावा इन्होंने जो शॉप लिफ्टिंग करी थी उसमें भी आपने देखा सामान काफ़ी सारा है, टोटल वर्थ आई थिंक मैम 2.5 लाख वर्थ का ऑलमोस्ट टोटल सामान है जिन्होंने लिफ्ट करा था और इन्होंने आगे बंदों को बेचा था, बाद में जो जिन्होंने जिनको बेचा हमने इन्होंने बेचा था उनको भी हम उठा के लाए हैं, उनको रिसीवर स्टोलन प्रॉपर्टी के साथ उनको दो, एक प्रिंस फरीद खान है और दूसरा जावेद जहंग जहांगीर अहमद शेख, ये तो इन दोनों को भी अरेस्ट करा गया है। इन्होंने ये जानते हुए कि ये सामान चोरी का था उसके बावजूद उन्होंने इसको खरीदा सस्ते दाम होने के उससे और इसको यूज़ कर रहे थे। तो इसी सिलसिले में इन चारों को भी अरेस्ट, इस केस में अभी एक अक्यूज़ है जो कि अभी एब्सकॉन्डिंग है, उसका एक और FIR है हंडवारा में, तो उसके पीछे भी हम पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह उसको भी जल्दी ही हम अरेस्ट कर लेंगे। तो रिकवरीज आपके सामने है और इस मॉड्यूल के बस्ट होने से काफ़ी बड़ा एक गैंग सामने आया है और इससे आई एम श्योर सोपोर के ही और बाकी जो आसपास के इलाके हैं उनके जो बाशिंदे हैं उनको काफ़ी राहत मिलेगी कि ये चोरी का जो मैनेज है ये थोड़ा सा इसमें इम्पैक्ट 100% पड़ेगा क्योंकि ये एक्सपर्ट है दोनों, शॉप लिफ्टिंग में वो लॉक्स को तोड़ने में एक्सपर्ट है और दूसरा जो एक अक्यूज है वो गाड़ियों को चोरी करने में एक्सपर्ट है। तो ये आप इन सबकी फ़ोटोज़ भी आप लोग ले सकते हैं, वो आपके सामने हैं। इसके अलावा दूसरा जो हालांकि इसका मैंने मीडिया ब्रीफ शेयर करा था मैंने, ये देखिए आप सभी लोग यहाँ मुखातिब हैं आपके इससे कि यहाँ पे जो चैलेंजेस हैं सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे ड्रग मैनेज का ही है, मिलिटेंसी भी है तो ड्रग मैनेज नंबर वन चैलेंज है। तो उसके सिलसिले में एक बहुत हमें बड़ी कामयाबी मिली है, आपने आई एम श्योर आपने फोटोज़ ली होंगी उसकी और हमने कल शेयर भी करी थी कि उसमें 3600 टैबलेट्स ऑफ स्टेसमेथोक्सिमोविन हैं और 55 बॉटल्स मिली हैं हमें कोडिन की बेसिकली। तो ये भी एक बहुत बड़ा गैंग है, इन्होंने ये भी मतलब नॉर्थ कश्मीर में यानी कि रफियाबाद बेल्ट हो गई और जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पे ये सप्लाई करा करते थे और इस इनकी वजह से ही काफ़ी सारे यूथ्स की काफ़ी सारे फैमिलीज़ की जो है लाइफ तबाह हो रखी थी। तो अगेन इनकी भी अरेस्ट से भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आई एम श्योर और इंशाल्लाह हम और भी सक्सेस से करते मतलब मिलेंगे हमें और इसी सिलसिले में हम और भी इसमें अरेस्ट हम करेंगे, इसमें भी एक अक्यूज भी एब्सकॉन्डिंग है तो वो भी हम जल्दी पकड़ के लाएंगे। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, अगर आप लोगों को कोई सर ये जो गैंग थी कब से एक्टिव थी, कौन सा वाला आप जो आपने चोरी की ये बस्टर्ड किया सर, ये इसका इसमें जो इसका पहला जो FIR है वो 2016 का FIR, जो आप मोटा 5 ईयर्स का लगा लीजिए, 5 ईयर्स से लेते हैं बट मालूम है भी इन्होंने चोरियाँ करी हैं, यहाँ पर भी करी हैं, बारामूला में भी करी, तो अराउंड 5 ईयर्स के आसपास। तो इसका मतलब सर ये पूरे नॉर्थ कश्मीर में एक्टिव थी? जी हाँ जी हाँ, नॉर्थ कश्मीर में भी सेंट्रल इवन श्रीनगर में। सर भाई सिर्फ सईद फयाज हूँ के एन सर, बहुत अच्छी बात है कि आप ड्रग्स की बात की, शुक्रिया। तो काफ़ी आपका एक योगदान रहा है बार बार आपकी मीडिया में भी और प्रैक्टिकली, लेकिन क्यों बार बार ऐसा होता है कि आप छोड़ने के बाद दोबारा ये प्रॉब्लम आती है, एक साथ इसका कोई अल्टीमेट एंड नहीं लग रहा कहीं? देखिए बात यह है कि ड्रग्स एक बहुत बड़ी समस्या है, सोसाइटी की बहुत बड़ी समस्या है
और पुलिस जो है सॉल्यूशन का एक पार्ट है, है ना। हम अपना रोल प्ले करते हैं, उसके अलावा और भी एजेंसीज हैं जिनको अपना रोल प्ले करना होता है, वो भी कोई भी अपना रोल प्ले करती है, बट द प्रॉब्लम का मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा है कि आप हम सोचें कि आप हम सोचें कि एक शॉर्ट टर्म या क्विक फिक्स इसका कोई सोल्यूशन है नहीं, ठीक है। ये पूरे सिस्टम के तहत इसको होता है, जैसे पुलिस एक सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम एक सिस्टम, जब सारे सिस्टम से एक साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें सक्सेस भी मिलेंगे, और जब सोसाइटी भी सामने आएगी तो उससे और सक्सेस मिलेंगे। जैसे लेटर से कल को जैसे केस होता है, चलान करते हैं, अब जितने लोग आएंगे एज विटनेस गवाह बयान देंगे उतनी जल्दी सजा मिलती है, तो ये सब चीज़ें भी होती हैं।